दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा मामले में अवैध कब्जे पर बुलडोजर से कार्रवाई के फैसले को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा जमकर फूटा है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट कर बीजेपी सरकार सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने इस फैसले को बीजेपी का गरीबों पर जंग का ऐलान बताया है। वहीं इस फैसले पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की भूमिका को संदिग्ध बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी घरों को तबाह करने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, अदालत जाने का कोई मौका नहीं, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा देना है। अरविंद केजरीवाल को अपनी संदिग्ध भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। क्या उनकी सरकार का PWD इस विध्वंस अभियान का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरह के विश्वासघात और कायरता के लिए वोट दिया? उनका बार बार बचना, पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं है, यहाँ काम नहीं करेगा। अपने ट्वीट के अंत में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि निराशाजनक स्थिति है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया। 19 अप्रैल को कटिहार में बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि तबाह और बर्बाद करने की नीयत रखने वालों के अंदर जिन्ना का DNA है। मैं तो यही कहूँगा, अगर कर रहा है अवैध लोगों को हटाने का काम, तो ये कानून का काम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। ओवैसी जैसे लोग को तो हर चीज में हिंदू और मुसलमान आता है, क्योंकि ये तो जिन्ना के DNA के लोग हैं, और जिनके अंदर में शरीयत कानून जिन्ना के DNA बैठ जाएगा, तो उनको तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तिन तैसी। यानी ओवैसी का ध्यान केवल हिंदू मुसलमान पे रहता है, इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं, और कानून अपना काम करे, इसकी तारीफ करनी चाहिए। इतना ही नहीं, गिरिराज ने आगे कहा कि भारत में जुलूस नहीं निकलेगा तो कहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान में निकलेगा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि देश की राजधानी में कई बार हिंसा हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, और जब तथाकथित सेकुलर पार्टी के लोग और सेकुलर बातें कह करके ये कहते हैं गांधी जमनी संस्कृति है। कौन सी गांधी जमनी संस्कृति? गांधी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है, कोई बता दे। जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है, और आप दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए हिंसा को संयोग नहीं सोच बताने वाले गिरिराज पर कांग्रेस ने भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का एजेंडा है। देश के अंदर चाहे राजस्थान के करौली में घटना घटा, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन में घटना घटी, नंगा तरबार लेकर के आए और भीड़ को मारने का और SP के ऊपर हमला करे और गोली मारे, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। गोरखपुर में मंदिरों पर मुर्तजा हमला करे, ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है, ये एजेंडा है। RSS और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ये कोई संकोच नहीं है कि इनका सहयोगी दल असदुद्दीन ओवैसी, IIM पार्टी कौन सी भगवान जाने उसकी,
ये उसकी सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के कांड में उनके चक्षुओं की भी भूमिका होती है। ये जानबूझ करके इस तरह का वातावरण तनावपूर्ण हिंदुस्तान भर में फैलाना चाहते हैं। जी, मैं यहाँ इसलिए आए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एज अ पिटिशनर मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम ऑफिसर्स को बताएं। तो लेकिन जब मैं यहाँ आई थी 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को का यथास्थिति का उन्होंने ऑर्डर दिया। जब मैं यहाँ आई मैंने देखा बुलडोजर चल ही रहा है, मैंने ऑफिसर्स को ढूंढा, कोई मिला नहीं, इसलिए मुझे खुद ही बुलडोजर को रोकना पड़ा। तो वो बुलडोजर मुझे देखकर रुक गया था। उसके बाद अच्छी बात है सारे ऑफिसर्स आए, मैंने उनको जो मेरे लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने दिखा दिया था, तो उन्होंने खुद कहा कि ठीक है हम बुलडोजर को रोक रहे हैं। तो अभी फिलहाल बुलडोजर रुक गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो राहत दी, सुप्रीम कोर्ट की राहत केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राहत देश के कानून को बचाने के लिए दी। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल की शाम हनुमान जयंती के मौके पर हुए उपद्रव के मामले में अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा में लिप्त आरोपियों के द्वारा कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाने की मांग की थी, जिसके बाद बीजेपी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में 2 दिवसीय अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि बुलडोजर मामले में कोर्ट की भी एंट्री हुई है और कोर्ट ने अतिक्रमण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।